जिनी। और चलिए तिरंगा यात्रा की एक और तस्वीर हम दिखाते हैं, हमारे साथ सहयोगी दीपक उराव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है हर घर तिरंगा अभियान के तहत, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? जी बिल्कुल, आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और इसी के तहत तिरंगा यात्रा की शुरुआत आज से की गई है जो आगामी 15 अगस्त तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी रांची के शहीद चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। एक विशाल तिरंगा झंडा भी इस यात्रा में निकाली गई है जिसमें बड़ी संख्या में लोग काफी उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं। सर, जिस तरह से काफी संघर्ष और बलिदान से देश आजाद हुआ है, आज 75वां साल पूरा होने जा रहा है, देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके आह्वान पर 100 से अपने में गांव टोला पंचायत अपने में घरों में फिरा रहे हैं। ऐसा प्यारा न्यारा तिरंगा, जिस तिरंगे की शान के लिए, उसकी रक्षा के लिए लाखों सैनिक बलिदान दे दिया, लाखों सैनिक सीमाओं पे हैं, ऐसे तिरंगे को शान से सलूट करना, शहीदों को याद करना और जब हम आगे 25 साल बाद जब 100 साल मनाएंगे, आज संकल्प लेने का समय है कि दुनिया का महाशक्ति हम बनेंगे, क्या संकल्प का समय है। ये जो कार्यक्रम है पूरे राज्य में नहीं पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ रांची के सांसद सीपी सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, इसके अलावा कई सांसद विधायक सभी यात्रा में शामिल हुए हैं और लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि हर घर पर तिरंगा झंडा अवश्य फहराए। लोग देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है कि इस 75 साल का जो है समय पूरा हो रहा है, काफी बलिदान और संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ है जिसका 75 साल पूरा होने जा रहा है, तो लोगों में उत्साह है। एक त्योहार की तौर पर लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मना रहे हैं, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह है लोगों, पूरा देश में 41 करोड़ की जनता में उत्साह है। चलिए चलिए, तो काफी उत्साह के साथ लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो, सभी इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं और ये यात्रा बिरसा मुंडा जहाँ पर अंतिम सांस किया थे उस जेल परिसर तक जाएगी और वहाँ पर सामूहिक राष्ट्र लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।